वेलकम बैक टू दीपिका व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। सो गाइज, आज है 31 दिसंबर और आज हम लोग जो है नए साल को वेलकम करने के लिए पार्टीज करते हैं और पुराने साल को बाय बाय करते हैं। तो गाइज, आई होप आपने भी 2020 बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स में काटा होगा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी लोगों की लाइफ में आ गई थी और बहुत प्रॉब्लम्स रही। तो आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये साल काफी परेशानी वाला रहा होगा, जैसे कि मेरे लिए भी रहा। तो हम उम्मीद करेंगे गाइज कि नया जो साल आने वाला है 2021, वो सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत ही अच्छे से आप सेलिब्रेट करो। तो आज हम जो है छोटी सी पार्टी अरेंज कर रहे हैं घर पर ही। तो गाइज, आप जानते हो कोविड है, तो बाहर जाकर खाना खाना या फिर बाहर जाकर पार्टी करना थोड़ा रिस्की था। तो आपको पता है, एज ऑलवेज हमेशा मैं क्या करती हूँ, अपने घर पर ही अपने मॉम डैड के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई ओकेजन होता है, तो वही मैंने सेम आज किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर पर ही कुछ चीजें ऐसी बना करके आप लोग के साथ शेयर कर लूं कि मैं छोटी सी पार्टी कैसे मना रही हूं और आप लोग के साथ शेयर भी कर लूंगी। तो गाइज, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। बाकी उससे पहले, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है न्यू ईयर के लिए। तो सबसे पहले गाइज, अगर पार्टी है और केक ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये आज हमने छोटा सा केक बनाया है, चॉकलेट केक, आप देख सकते हो। इस पर हमने सिंपल डेकोरेशन की है ड्राई फ्रूट के साथ, आप जो भी चाहे मनपसंद डेकोरेशन कर सकते हो। ये केक की रेसिपी अगर आपको चाहिए गाइस, तो मॉम के चैनल पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर लेना। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल आज सब्जी बनाने की सोची थी, तो हमने काजू करी ट्राई की। वैसे हमने पहले भी बना चुके हैं इसे काफी बार, आप देखो कितनी टेस्टी और कितनी ग्रेवी इसकी, देखो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। अगर आप इसे बनाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको मॉम के चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, घर पर ही आप इजीली बना सकोगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज, हमने बनाई मिक्स वेज। मिक्स वेज तो सर्दियों में हमेशा ही सबकी फेवरेट होती है, मेरी तो खास तौर पर फेवरेट है मिक्स वेज, ये हो गई। नेक्स्ट हमने बनाया गाइज मूंग दाल हलवा, इसकी रेसिपी भी आपको मॉम के चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाकर ट्राई करो, बहुत इजीली बन जाता है। और नेक्स्ट है ये तिल के लड्डू, ये रेसिपी भी अभी लेटेस्ट मॉम ने अपलोड की है अपने चैनल पर, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत सिंपल से है, आप जरूर बनाना। और नेक्स्ट है जो सब्जी हमने बनाई उसके साथ खाने के लिए, हमने बनाए गाइज लच्छा पराठा। यस, ये देखिए, आपको लच्छा पराठा दिखाती हूँ, ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। तो इस तरीके से हमने जो है छोटा सा मेन्यू डिसाइड किया अपनी पार्टी के लिए, देखिए ये वाला, और अब हम इसे एंजॉय करेंगे मॉम डैड के साथ। तो हेलो मॉम डैड, आप कुछ कहना चाहते Hello. हो कुछ कहना चाहते हो मॉम आप? बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन हमने घर में ही किया, बाहर तो क्या जाएं, बच्चे अभी एक बेटी को छुट्टी मिली नहीं है, वो भी नहीं आई, तो सारी फैमिली इकट्ठी होती तो हम बाहर भी जाते, चलो देख लेते हैं अपना, फिर हमने घर में ये सब खाना बनाया है तो इसे एंजॉय करते हैं। आप भी आइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, खुश रहिए, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो डैड आप कुछ कहना चाहोगे? 2020 को और 2021 को वेलकम। तो आप क्या उम्मीद करते हो 2021 कैसा रहेगा सबके लिए? सबके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। तो गाइज क्यों ना पापा का एक जोक हो जाए इस मौके पे, इनके जोक्स हमेशा से फेवरेट रहे हैं सबके, हमारी फैमिली में तो स्पेशली इनके जोक्स के लिए जो है इनको याद किया जाता है अभी तक भी। तो पापा कोई अच्छा सा जोक सुनाइए ताकि जो सबकी शाम बन जाए। में है एक सीधा साधा गाँव का देहाती आदमी, पहली बार शहर जा रहा था, तो उसकी घरवाली कहने लगी कि मेरे वास्ते शहर से एक साड़ी लेके आना। तो देहाती बोला मुझे तो भाई दुकानदार के पास जाऊंगा, मुझे साड़ी लेने नहीं आती, ना बार्गेनिंग करनी आती मेरे को। तो उसकी घरवाली ने कहा जितने वो दुकानदार साड़ी की प्राइस बताए तो उसकी आधी कर देना। दुकानदार बहुत ठगी मारते हैं शहर वाले। तो वो शहर में आ गया, दुकान पर चला गया, लाला जी साड़ी दिखा दे, उसने दिखा दी। लाला जी कितने की है? बोला 3000 की। बोला लाला जी मैं तो 1500 रुपये देऊंगा। लाला बोला नहीं चल 1500 नहीं, तू चल 2500 दे दियो भाई, कि मैं 1250 देऊंगा। वो डाउन करता करता जब लाला जी ने 1000 रुपये बोल दिया, वो बोले मैं 500 देऊंगा। लाला जी को गुस्सा आ गया, लाला जी गुस्से में कहे ओ भाई तू फ्री में ले जा। बोला ना लाला जी एक नहीं पर दो लेऊंगा।
तो गाइस चलो फटाफट से केक कट कर लेते हैं। वैसे तो 12 बजे केक कट करने वाले थे, पर गाइस आपको पता है मैं वर्किंग हूँ, तो 12 बजे तक जाग पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा रूटीन सुबह तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है इसी वजह से। तो अभी हम लोग केक कट कर रहे हैं, अभी ज्यादा ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर हम लोग टाइम से सो जाएंगे खाना खा के। हम अच्छे वाले बच्चे हैं, ज्यादा देर तक नहीं जागते हैं। तो मॉम डैड चलिए फटाफट केक कट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए केक बड़ा सही बना है, सॉफ्ट बना है, एकदम स्पॉन्जी है। ये देखिए मोम थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये देखिए कितना सही बना है ना केक। तो अब खिलाइए डैड को। हैप्पी न्यू ईयर, चलिए एक दूसरे को खिला दीजिए। सो गाइज ये था छोटू सा सेलिब्रेशन, थोड़ा सा अच्छा सा खाना बना के एंड केक बना करके। सो गाइज खाना हो गया है और खाना बहुत यम्मी था, बहुत मजा आया खा के। अब मैं खा रही हूँ ये तिल का लड्डू, क्योंकि गाइज खाने के बाद मीठा ना हो तो खाने का मजा नहीं आता, खाना जो है पूरा नहीं होता। सो ये मीठा है, एंड सबसे अच्छी बात कि ये तिल है। तिल जो है हमारे विंटर्स में हमारे हेल्थ के लिए काफी हेल्दी होता है, हमारे लिए हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और साथ में इसमें गुड़ है, चीनी नहीं है, तो गुड़ भी आपकी हेल्थ के लिए काफी सही होता है, सेफ होता है। तो इस तरह के लड्डू अगर आपको पसंद है, आपके परिवार में खाना अच्छा लगता है सबको, तो जरूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल सी टेक्निक है इसको बनाने की। एंड मॉम का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी रेसिपी भी वहां पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। एंड गाइज इस रेसिपी को भी मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अब वहां जाके इसे भी चेकआउट कर लेना और जरूर ट्राई करना। मुझे जरूर बताना कि आपके लड्डू कैसे बने, और जो मैंने चीजें आपके साथ शेयर की है वो भी डेफिनेटली आप ट्राई करना। सो गाइज अब लास्ट सेशन जो बचा है इस वीडियो का, इस व्लॉग का, वो है छोटा सा डांस सेशन। एक्चुअली मेरे मॉम डैड को जो है एक छोटा सा डांस जो मैं आपको आज शेयर करूंगी उनके साथ, क्योंकि अच्छा लगता है। डांस के बिना कोई पार्टी जो है पूरी नहीं होती। मैं डांस अभी नहीं करूंगी, मेरी सिस्टर अभी यहाँ नहीं है, जब वो आएगी तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अकेले इंजॉय क्या करती, पर मॉम डैड का डांस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो गाइस देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना अच्छा सा मस्ती वाला डांस चल रहा है मॉम डैड का। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत डांस भी कर रहे हैं बहुत सारा। सो गाइस इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका नया साल बहुत अच्छा, सारी खुशियां लेकर आए आप लोगों के लिए। मेरा तो बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदों के साथ नया साल शुरू करने वाली हूँ। सो हैप्पी न्यू ईयर एंड एडवांस टू ऑल ऑफ यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ईयर अगली वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ, कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।